हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। छोटू सा ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और ये बंदा जो आपको हंसता खेलता दिख रहा है, जो अच्छे से अभी फ़ोटो शूट करा रहा है, सुबह से परेशान था कि मेरा बर्थडे कोई मनाएगा कि नहीं मनाएगा। बर्थडे नहीं होता है हमारे यहाँ सेलिब्रेशन होता है, लगता मतलब कि बहुत बड़ा फेस्टिवल चल रहा है, इस तरह से बर्थडे का मनाया जाता है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे से आप सब आने लगे हैं जिनको इन्वाइट किया गया था। देखिए सारे मेहमान पधार गए हैं। ये छोटा सा टकलू बच्चा ये छुप रहा है मम्मी का सब पीठ के पीछे कि नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है, मेरे को बर्थडे से डर है। ये आना ही नहीं चाहता था, अपना मम्मी के पीछे चुप चुप कर रहा है। तो अभी देख सकते हैं आप लोग, बर्थडे बहुत इंजॉय हो रहा है। बस एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, बर्थडे होता किसी और का लेकिन वहाँ फोटोशूट मतलब कि सब फोटोशूट की बौछार लग जाती है, फोटोशूट करने के लिए सब उतावले हो जाते हैं। ये रही मैं आ गई तैयार होकर, क्योंकि बर्थडे बॉय ने बोला था कि जाइए तैयार हो जाइए, ये मुझे अपने बर्थडे में आज अच्छे से फ़ोटो लेना है। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी गाइस, तो मुझे मन नहीं कर रहा था, लेकिन इस छोटे से बच्चे के लिए मुझे तैयार होना पड़ा इसी खुशी के लिए। और भैया घर पर नहीं थे तो उनको वीडियो कॉल किया गया था, भैया ने वीडियो कॉल में ही उसे विश किया है और पूरा बर्थडे इंजॉय किया है भैया ने वीडियो कॉल में, क्योंकि वो बाहर गए हुए हैं शूट पर। तो गाइज आप लोग भी इस पूरे बर्थडे का ब्लॉग देखिएगा और इसको लाइक कीजिएगा और इसको बहुत सारा विशेष कीजिएगा, क्योंकि ये गाइज ग्रुप का मेन बंदा है जो अंजलि बनता है। भैया के हर वीडियोस में यही लड़की बनता है। तो प्लीज़ आप लोगों को ये लड़का बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग प्लीज़ इसके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और देख सकते हैं इसने तलवार से काटा है केक को, क्योंकि दो दो केक था, इसका मन था कि मैं तलवार से काटूं, तो मैंने भी इसे उठा कर दे दिया कि लो महेंद्र बाहुबली बन जाओ और अपने तलवार से केक को काट डालो, फाड़ डालो, चीट डालो। तो इस बंदे ने केक को काटा और मोमबत्ती बुझाने भूल गया था, तो मैंने भी बुझा दिया। यहाँ देखिए बहुत बड़ा पीसेस काट दिया ये, और इतना बड़ा पीसेस ये किसी को खिलाने के लिए जा रहा था, पर कोई खाने के लिए तैयार नहीं था कि इतना बड़ा पीसेस कैसे खाए आदमी, तो कोई खाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था कि मैं नहीं खाऊँगा। ये घूम रहा है इधर उधर कि कोई तो खा लो। तो गाइज़ अगर आप लोगों को मेरा छोटा सा मिनी सा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा मेरे चैनल को और बहुत सारा प्यार दीजिएगा प्लीज़। और अगर ये बंदा अच्छा लगता है तो आप लोगों को लाइक करना ही पड़ेगा।